होते हैं क्रैकर्स और ये कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक वो भाई कंटिन्यू एक फ्रीक्वेंटली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एचमी शर्मा ब्लॉग्स। एज यू कैन सी आज हमारे आगे अगेन दो दो जीटी खड़ी हैं। फर्स्ट वन तुम्हारे भाई की जीटी है, पहचान लोगे क्योंकि इतनी बार देख चुके हो। सेकंड हमारे दूसरे भाई की जीटी है 23 कॉन्टीनेंटल जीटी और ये है 22 जीटी। इनमें जो आज वीडियो का हम मोटो है वो है इसका कंपैरिजन एग्जॉस्ट का। बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे कि इनकी एवरेज मतलब आफ्टर 102 में जाएं या 103 में जाएं एंड 102 में क्यों जाएं 103 में क्यों जाएं एंड इनका ड्रॉबैक्स क्या है, एवरेज में क्या फ़र्क आता है, तो सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून। फर्स्ट मैं आप लोगों को इन दोनों के आइडल साउंड सुना देता हूँ एक छोटे से कंपैरिजन के पर्पज से, ठीक है। ये है हमारा 103, कुछ ऐसी साउंड है इसकी, आइडल साउंड ये है। ठीक है, ये तो होगी हमारी 103 की। अब मैं सुनाता हूँ आपको 102 की। ये इसकी नॉर्मल है विदाउट एनी थ्रोटल। अब मैं देने वाला हूँ थ्रोटल। ठीक है, ये तो उन दोनों की एक आइडल साउंड विद थ्रोटल होगी। अब मैं इसको चलाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ चलते हुए इनकी आवाज़ कैसी आती है और क्या क्या यूएसपी है इनकी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, पहले मैं स्टार्ट करने वाले हैं 23 वाली जीटी से। ठीक है, हियर वी गो। यार बड़ी स्मूथ गियर स्विच हुआ इसका। जैसे कि बहुत से भाई पूछ रहे थे कि भाई हमें कौन सी वाले 102 में जाना चाहिए 103 में। देखो भाई, मैंने 102 लेने का मोटो ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल 103 तब था नहीं, टॉप ऑफ द लाइन सिर्फ यही था। ठीक है, सेकंड रीज़न बीइंग ये था, मैं रेड रूस्टर वगैरह में इसलिए मैंने स्विच नहीं किया था क्योंकि रेड रूस्टर की जो मतलब क्रैकल्स वगैरह उसमें भी आते, बट एक इसमें 102 में यूएसपी क्या थी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रेड रूस्टर का मुझे लुक नहीं पसंद, पीछे से कुछ ज़्यादा ही ना चिमटा सा यार, बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को पर्सनली ना, हैवी सा नहीं लगता। दूसरा रीज़न भी ये था कि मेरा जो 102 है ना वो ज़्यादा ओवरहीट नहीं होते क्योंकि नॉइज़ काफ़ी मतलब वो कितना भी मैं 500-600 किलोमीटर चला लूँ उसको अगर मेरा पैर भी लगेगा ना तो उसमें हीट नहीं छोड़ता, तो दूसरा रीज़न तो यही था और कोई मेजर रीज़न नहीं था कि प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर ही थी, 1920 के इन बिटवीन ही थी उस टाइम भी प्राइसिंग दोनों की, तो मैंने इसलिए नहीं किया। हाँ, अब आप 103 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ भाई, तो जैसे मेरे को ना जैसे इसकी आवाज़ है ना मुझे पर्सनली पसंद आई है, काइंड ऑफ बेस ज़्यादा है। ठीक है, तो लाउड है बट इरिटेटिंग लाउड नहीं है। तो अगर आपको मतलब इस टाइप की आवाज़ पसंद है, इसमें बस एक चीज़ ये है कि ये ना वो नहीं करती, क्रैकल नहीं छोड़ती। मैंने बहुत ट्राई किया है पर ये वैसा वाला क्रैकल नहीं छोड़ती कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली में जैसी हमारी 102 छोड़ती है, तो ये एक रीज़न है मेरे को जो लगा। ठीक है, अगर आपको क्रैकल्स चाहिए देन यू शुड गो विद रेड रूस्टर और 102, बट इफ़ यू आर लुकिंग काइंड ऑफ समथिंग बेस काइंड ऑफ स्टफ तो फिर मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है 103। अच्छा, इसमें आपको आवाज़ कब आती है क्रैकर्स की, जब मैं थ्रोटल छोड़ देता हूँ तब ये पॉपअप करते हैं। ठीक है, बाकी 103 यार देखो क्रैकल्स करने मतलब होते कैसे हैं, क्रैकल्स की एक सिंपल सी ट्रिक है यार, एक पर्टिकुलर आरपीएम में आपको बाइक के एक्सेलेटर को रखना है, अपने आप क्रैकल्स फ्रिक्वेंटली बचते रहेंगे। मैं आपको 102 में दिखाऊंगा करके, अब जैसे इसको मैं कर रहा हूँ
जीरो ये नहीं हो रहा है, बट अगर यही 102 होता तो ज़रूर होता। तो ये तो हो गया इसका 103 के बारे में, बाकी इनके प्राइसिंग और लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलो लास्ट में क्या बताना है, इसकी प्राइसिंग अभी बता देता हूँ। ये आपको इस टाइम पड़ेगी ऑफिशियल साइट में अगर आप मंगाओगे, आई थिंक 103 आपके अमेज़ॉन पे नहीं है, ऑफिशियल अगर मंगाओगे तो ये आपको कॉस्ट करता है 21,000 के अराउंड, ठीक है। स्लिप ऑन है, फुल सिस्टम नहीं है ये, लॉन्ग कैन में, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने जो लिए थे ना 102 वो आपके आते थे काइंड ऑफ, आप देखो ना लिटिल बिट ना मैट फिनिशिंग है इसमें, आपको ग्लॉसी आ रहा है, तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और हीट इसमें भी क्रिएट नहीं होती, तो आप जा सकते हो इसमें, नो डाउट। बाकी अब इंजॉय करते हैं इसको, और अब 102 को चलाने का टाइम आ गया है। दिखाता हूँ मैं क्रैकल्स जो मैं बोल रहा था ना, जो इसमें नहीं आ रहे वो मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं। थोड़ा पास ले जाता हूँ, ये देखो इसकी बात कर रहा था ये होते हैं क्रैकर, और ये कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक वो भाई कंटिन्यू एक फ्रिक्वेंटली स्पीड पे उसे रखेगा आरपीएम पे। ये हर गियर में करेंगे, ज़रूरी नहीं फर्स्ट गियर में करेंगे, दूसरे में भी करेंगे, तीसरे में भी करेंगे, ये देखो कंटिन्यूली होते रहेंगे जब तक वो उनका थ्रोटल नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ एक बढ़िया लगती है मुझे अपने वाले में, कभी कभार ना ये क्रैकर का साउंड बड़ा प्यारा लगता है यार, इरीटेटिंग नहीं है। 103 में नहीं होती, बस यही डिफरेंस है। अब ये हम आ गए हैं अपनी 102 में, अपनी जीटी पे, भाई अपनी 103 जीटी चला रहे हैं। अब इसमें ट्राई कर रहे हैं कि पटाखे आए, बट इसमें नहीं आते यार, मुझे पता है ना। इसमें जैसे हम गियर स्विच करेंगे ना, गियर डाउन करेंगे तब ये पॉपअप मारती है, उससे पहले नहीं, इसका मुझे पता है, मैंने देख लिया इसका। आगे बेस है भाई, ये देखो देख, अलग ही दूर से सुनाई दे रही है आवाज़ इसकी, इस आती इसकी भी आवाज़ है दूर से सुनाई, बट उसका ना एक बेस है यार, मतलब कैसे इसे इलैबोरेट नहीं करता। और ये देखो हमारे क्रैकल सुन पा रहे हो ये। तो ऑलराइट गाइस, ये था मेरा कुछ मोटो आपको 103 102 के बारे में बताने का, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते, बाकी इसके प्राइसिंग बता देता हूँ। मेरे वाले मेरे को कॉस्ट कर रहे थे अराउंड 19,000 के, ठीक है। उस टाइम 22 में लिए थे मैंने, जुलाई के अराउंड, ठीक है। लिंक में शेयर कर दूंगा दोनों के आपसे वीडियो में, भाई तू चला जा, ले चला जा। तो लिंक मैं दोनों के शेयर कर दूंगा आपसे, आप देख लेना, ठीक है। हाँ, और सेकंड, क्या माइलेज में फ़र्क आता है? भाई तू भी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊँ, पहले तो मैं इतना फोकस नहीं करता था, ख़त्म हुई टंकी डलवा लेता था, बट हाँ मैं ये बोलूँगा, अगर आप एक तरीके से चला रहे हो, मतलब जैसे हम क्या है, मैं रॉ काइंड ऑफ ज़्यादा चलाता हूँ, रफ एंड टफ, तो मैं ज़्यादा उम्मीद ना ही लगाऊँ, बट अगर आप डिसेंट बाइक चलाते हो
देन ऑब्वियसली आपको एक अच्छा एवरेज मिलता है। मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा, मैंने इसको ना नॉर्मल चला के भी ट्राई किया हुआ है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, 103 के और 2 के माइलेज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या एवरेज देती है ये, तो उससे आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।